अस्सलाम गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू व्लॉग शबे बारात। आप सबको मुबारक हो। तो गाइस, आज शबे बारात, तो जो मैं दो तीन दिन से व्लॉग्स नहीं बना पा रहा था, तो इसके लिए नहीं बना पा रहा था क्योंकि लिए मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, क्योंकि लिए मैंने गर्मा गर्म खाने खाए थे, तो जिसकी वजह से मेरी गले में थोड़ी तकलीफ हो गई है। जैसे वो सही होती है तो दूसरे व्लॉग्स भी इंशाल्लाह आते रहेंगे। तो दूसरा हमारा चैलेंज क्या हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। एक भाई ने दिया था कि जीरो रुपये में आप मतलब फ्री में खाओ। फ्री में यार कैसे खाएं, ऐसे लिए वो नहीं हो सकता है। दूसरा आपको चैलेंज दे दें। ओके, तो इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी चलते हैं हम अपना बाहर। बाहर का निज़ाम देख सकते हैं, अभी तो कोई भी बच्चे इतने नहीं हैं यहाँ पे, बिल्कुल कम बच्चे, बम वगैरह नहीं फाड़े। तो जैसे ही रात होगी, धीरे धीरे अंधेरा होगा, तो यहाँ पर आ जाएंगे बम फाड़ने। तो गाइज़, हमारी ये सवैयाँ आ गई हैं अभी, जो जैसे पकी तो हमने लेके आए हैं, तो हमने बोला कि टेस्ट करके देखें। और ये हमारा भतीजा भी आ गया यहाँ पर खाने। ये हमारा जो भाई था वो कैमरा लेके आ गया, बोल रहा मैं तस्वीर वगैरह निकाल रहा हूँ। तो ईद है ना, तो ईद पर अभी तस्वीरें वगैरह निकालेगा सबकी और सेव करके रख देगा लैपटॉप में, ताकि हमारी यादें पड़ी हुई। तो बिस्मिल्लाह करके अपनी सवैयाँ खाते हैं। तो गाइस, अभी हमारी बिरयानी भी पकने वाली है, और भी जैसे पकती है तो आपको दिखाते हैं। और ये देखें, ये बहुत खुशी हो रहा है कि मुझे भी खिलाएं, तो अभी इसको भी खिलाते हैं। सो गाइस, अभी नाइट हो गई है, पर ये दो तीन बच्चे ही लोग सिर्फ बम जला रहे हैं और कोई भी नहीं जला रहा। और हमारा चौंक चेक करें, हमारा चौंक है वो भी देखें सूना सूना लगा पड़ा है। हमारे रिश्तेदार है मामू का बेटा, तो ये अभी रोटी लेके आया था हमारे पास। सो गाइस, अभी मुझे सर्दी लग रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, जिसकी वजह से मैं घर पे वापस आ गया। ये आप चेक कर सकते हैं, बिस्तर पे मैं बैठा हूँ और चाय पी रहा हूँ। तो इस छोटे वीडियो को आप लाइक कर देना, और चैनल को नए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।